बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम से बहुत ही मज़ेदार से हल्के फुल्के से वेजिटेबल राइस आपसे शेयर करने वाले हैं। इसके लिए जो जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल हैं आप ले सकते हैं। मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल हैं, बेल पेपर है, कैरेट है, हॉट चिल्ली है, टोमेटो है, गार्लिक, जिंजर और कैबेज, और ये कोरिएंडर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेजिटेबल को मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और इनको पील करके मैं काट लूँगी। सबसे पहले तो मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया है। बाकी तमाम सब्जियों को मैंने चॉप कर लिए और टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया। इसके साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया है। दूसरी तरफ पतीले मैंने आधा किलो चावल ले लिए हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और बॉयल कर लूँगी। चावल बॉयल करते मैं कुछ चीज़ें डालूँगी, वो आप देख लीजिएगा। आधा किलो चावलों में मैंने एक किलो पानी डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा हरा धनिया। चावलों को मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। सबसे पहले मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। दूसरी तरफ मैंने ये 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और मैं अदरक को फ्राई करूँगी। अदरक थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। टमाटर फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसमें गाजरें डाली हैं, उनको फ्राई करना है। गाजर को फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाली हैं हरी मिर्चें और साथ में हम डालेंगे गोभी, बंद गोभी। इनको भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। कैबेज को भी हल्का सा सॉटे करने के बाद हमने इसमें डाल देनी है बेल पेपर और उसको भी इसमें मिक्स करके सॉटे कर लेना है। हमने सब्ज़ी में ऑयल बहुत ही कम डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल इसमें डाला है और सब्ज़ी को थोड़ा सा हिलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तेज़ आँच पर मैं इनको सॉटे कर लूँगी। अब हमने इसमें 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है और 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्च डालनी है। नमक और मिर्च डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये इसको बहुत ज़्यादा गालना नहीं है, हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। इसके चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम चावलों की कंडीशन देखते हैं। दूसरी तरफ चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। चावलों को हम मिक्स करते हैं और फिर हम चावलों में वेजिटेबल को मिक्स करेंगे। पहले चावलों को मिक्स कर लेंगे। चावलों को हमने मिक्स कर लिया है। चावल को बॉईल करते मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी जो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती हैं। अब मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स करूँगी। ये हल्के फुल्के से बहुत ही मज़ेदार से लाइट से राइस आप बच्चों को स्नैक में भी दे सकती हैं, लंच में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट के तौर पर भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बच्चे तो इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चावल हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने इनको लगाना है चिकन बोटी का तड़का। इसमें ये मैंने चिकन ले लिया, इसके ऊपर मैं सिर्फ नमक लगाऊंगी और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो देखिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करके मैं इसका तड़का लगाऊँगी वेजिटेबल राइस को। देखिए चिकन को थोड़ा मैंने फ्राई किया और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा वैसे ही तड़का लगाना है जैसे कि हम दाल को लहसुन का तड़का लगाते हैं। देखिए चिकन फ्राई हो चुका है। जैसे हमने लहसुन को हल्का सा फ्राई करना होता है तड़के के लिए, अब मैं इसका तड़का लगाती हूँ। ये देखिए हमने तड़का लगा दिया है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से राइस तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए हमारे हल्के फुल्के चिकन तड़का वेजिटेबल राइस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एंजॉय करते हैं। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।